तो कल की मूवी की शुरुआत होती है उसी टाइम से जब महाभारत का वॉर चल रहा था। महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया था, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सभी मारे जा चुके होते हैं। और हमें यहीं पर दिखाया जाता है कि महाभारत के अश्वत्थामा कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। युद्ध के अंदर जब अश्वत्थामा देखते हैं कि पांडवों ने उनके सारे दोस्तों को मार दिया है, बल्कि उसके साथ ही पांडवों ने मिलकर उसके पिता द्रोणाचार्य को भी मार दिया, इसीलिए ये सब देखकर अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ब्रह्मास्त्र का समन करता है। और इसी टाइम पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिसके बाद अभिमन्यु की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो मर जाता है। अब इसको भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए अश्वत्थामा को कृष्ण जी बहुत ज्यादा मारते हैं। और वो इसके बाद अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा, वो मरने की भीख मांगेगा लेकिन फिर भी वो जिंदा रहेगा, और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांसें चलेंगी। लेकिन श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, इसीलिए वो पश्चाताप करना चाहता है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसे पश्चाताप करने का मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बताते हैं कि आने वाला जो युग है वो है कलयुग, उसी कलयुग के अंदर कली पुरुष नाम का राक्षस होगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक राक्षस होगा और वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, वो भी कल्कि अवतार के रूप में। लेकिन हाँ, जिस माता के जरिए कल्कि अवतार जन्म ले रहे होंगे, कली पुरुष उसी अवतार को रोकने की कोशिश करेगा, उसी समय पर अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी। ये सब होने के बाद 6000 साल बीत जाते हैं, और 6000 साल बीतने के बाद ही कहानी प्रेजेंट समय में आती है। कहानी के प्रेजेंट समय में आने पर हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के खत्म होने के साथ ही कलयुग शुरू हो गया था, और इसीलिए इस कलयुग के अंदर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उन सभी लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया, वो काफी ज्यादा डेवलप हुए और उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी बना ली। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने अपने बचाव के लिए उन्होंने काफी एडवांस हथियार भी बना लिए। लेकिन अब कलयुग के इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत था, इसीलिए वो अब आपस में लड़ने लगे, जिसके रिजल्ट में उनके बीच में बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ गया। और उन सारे युद्धों में उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा और पूरी ही दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा शहर है जो कि इस समय पर जीने लायक है, और उस शहर का नाम काशी है, जो कि इंडिया के अंदर है। इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि असल में काशी दुनिया का पहला शहर भी है, यानी कि जब मानव सभ्यता बसना शुरू हुई थी तब उस समय पर काशी सबसे पहले बसाया गया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी ही दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जो जीने लायक है, क्योंकि वो सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि काशी को छोड़कर एक ऐसा शहर भी है जो कि जीने लायक है, और उस शहर का नाम संबाला है। लेकिन हाँ, मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि संबाला शहर कहां पर है। इसकी लोकेशन सिर्फ वही लोग जानते हैं जो संबाला के रहने वाले हैं। अब काशी सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग अमीर हैं, बाकी सब लोग गरीब हैं, और इसीलिए जो लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत ही खराब है। इसके साथ ही काशी सिटी के मिडिल एरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स नाम की एक बहुत बड़ी जगह है, जो कि देखने में एक ट्रायंगल जैसा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नाम की जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियाँ, साफ जंगल, इस तरह की सभी सुविधाएं हैं, इसीलिए सभी अमीर लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स को काफी अच्छे सिस्टम के जरिए चलाया जाता है, और जो पूरे इस कॉम्प्लेक्स पर रूल करता है उसको सुप्रीम कहा जाता है। ये जो सुप्रीम है ये न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है, बल्कि इसके साथ ही सब कुछ मैनेज करने के लिए इसके पास खुद की आर्मी भी है, जिस आर्मी के सोल्जर इसके कहने पर सभी काम करते हैं, और इस आर्मी को मैनेज करने के लिए इनके पास एक कमांडर भी है, जो कमांडर इस आर्मी को ऑर्डर देता है। इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स से लेकर काशी सिटी तक कोई डॉलर या रुपी जैसी कोई भी करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं, और ये यूनिट्स ही आपके पैसे के बराबर हैं। और जो भी रिच आदमी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहता है उसे यहाँ पर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, यानी कि सीधी भाषा में अगर आपके पास 1 मिलियन यूनिट है तो आप इस कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। लेकिन इतने सारे यूनिट किसी भी गरीब आदमी के पास नहीं होते, इसीलिए उन सबको कॉम्प्लेक्स के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो सब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना जरूर देखते हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन हीरो की, यानी कि प्रभास की, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी में नाम है भैरवा। भैरवा की एंट्री होने के साथ ही हम ये जानते हैं कि भैरवा काशी सिटी के अंदर ही रहता है, लेकिन भैरवा की कोई भी फैमिली नहीं है, ना ही उसके पेरेंट हैं और ना ही उसके बहन भाई हैं, इसीलिए भैरवा अकेला ही अपनी जिंदगी बिताता है। इसके साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि भैरवा एक अच्छा फाइटर है और वो लड़ने के बहुत सारे तरीके जानता है। इसके साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि भैरवा एक अच्छा इंसान है, लेकिन हाँ,
भैरवा का भी ये सपना है कि एक दिन वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए और वहाँ पर जाकर एक आलीशान जिंदगी बिताए। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, इसीलिए भैरवा अभी तक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाया है क्योंकि उसके पास इतने यूनिट नहीं है। 1 मिलियन तो क्या उसके पास यूनिट है ही नहीं, इसीलिए वो मांग मांग कर उधारी पर जिंदा है और टाइम से किसी का भी उधार नहीं चुका पाता। एक दिन काशी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि संबाला का एक सोल्जर घुस जाता है और इसीलिए उसे बहुत सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं क्योंकि संबाला से जो भी लोग आते हैं अगर उन सबको पकड़ कर कॉम्प्लेक्स को सौंपा जाए तो कॉम्प्लेक्स के सोल्जर का कमांडर उसको बहुत सारे यूनिट देता है। इसीलिए भैरवा जब उसको देखता है तो उसके लिए गुंडों से फाइट करने लगता है और उन सबको पीट कर संबाला के उस बंदे को पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के बाद भैरवा को पता लगता है कि संबाला का वो लड़का एक आम आदमी है जो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की जानकारी करने के लिए आया है, लेकिन भैरवा को तो सिर्फ यूनिट चाहिए थे ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। इसीलिए वो उस लड़के की बात को नहीं मानता और वो उसे अपने घर में बंद कर लेता है ताकि कुछ समय के बाद वो उसे कॉम्प्लेक्स को सौंप दे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स उसे 10,000 यूनिट दे देगा और वो फिर इसी तरह से कई सारे यूनिट जोड़ेगा और जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स चला जाए। कुछ देर के बाद दिशा पटानी को भी दिखाया जाता है जिसका मूवी के अंदर रॉक्सी नाम होता है और वो मूवी के अंदर भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। जब रॉक्सी भैरवा से मिलती है तो हमें पता चलता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है, उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब लग गई है और उसे कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और वहां पर जाकर साफ सफाई करनी है। लेकिन जैसे ही भैरवा कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है तो वो रॉक्सी से कहता है कि एक दिन के लिए वो भी उसे अपने साथ ले चले क्योंकि भैरवा का भी सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखे। इसके लिए रॉक्सी मान जाती है और अगले दिन भैरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स में ले जाती है। अंदर आने के बाद भैरवा को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो देखता है कॉम्प्लेक्स अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत सारा साफ पानी और खाने के लिए बहुत कुछ है। इन सबको देखकर भैरवा थोड़ा सा पागल हो जाता है और वो रॉक्सी के साथ मिलकर वहाँ पर मजे लेने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सोल्जर के हाथों पकड़ा जाता है जिस वजह से कॉम्प्लेक्स के सोल्जर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हाँ, जब उसे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाता है तो उसका अंदर जाने का और भी ज्यादा मन करने लगता है क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स के अंदर की सभी चीजों को देख लिया था। इसीलिए भैरवा डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा और वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। मूवी का सीन शिफ्ट होता है, इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बहुत बड़ी लैब को देखते हैं जिस लैब के अंदर बहुत सारी लड़कियां और साइंटिस्ट होते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट उन लड़कियों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि सुप्रीम ही कली पुरुष है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कली पुरुष बहुत ही कमजोरी हालत में है, उसकी बॉडी काफी दुबली पतली और कमजोर सी होती है और उसके अंदर पावर भी नहीं होती, इसीलिए उसे पावर्स वापस चाहिए होती है। वो खुद को फिर से ठीक करना चाहता है या फिर आसान शब्दों में कहें वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि कली मानव से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि कली पुरुष का मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6,000 सालों में जब से कलयुग चलता आ रहा है तब उस समय में मानव ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके डाल दिया, इसीलिए मानवों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसीलिए वो सारे मानवों को खत्म करना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। खुद को ठीक करने के लिए और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कली पुरुष को एक सीरम की जरूरत है जो सीरम एक प्रेग्नेंट औरत के पेट से निकल सकता है, यानी कि ऐसी औरत के पेट से जिसके पेट के अंदर चाइल्ड हो। इसी के लिए कली ने एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है और उस लैब में काम करने के लिए उसके पास टॉप साइंटिस्ट हैं और कली के पास जो आर्मी है उसकी मदद से औरतों को पकड़ के लेकर आता है और उन सभी को अपनी लैब के अंदर कैद करके रखता है। उसके बाद कली उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं करता बल्कि सीडिंग करने के लिए वो स्पेशल मेथड का प्रयोग करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है जिसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हम यहां पर ये भी देखते हैं जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीडिंग की जाती है उनमें से सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, इसीलिए जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको अलग जगह रखा जाता है और उन्हें रहने खाने पीने के लिए सब कुछ बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उन सबको लैब के अंदर नौकरानी बनाया जाता है और फिर वही गुलाम लड़कियां प्रेग्नेंट लड़कियों की देखभाल करती हैं और उन्हें जो भी मदद चाहिए होती है वो सब करती हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कली को जिस सीरम की जरूरत है वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो कि 101 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट हो, यानी कि कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कली की सीडिंग की वजह से यहाँ लैब में जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है वो सभी लड़कियां 91 दिन से ज्यादा नहीं जी पाती, यानी कि उन सब की 3 महीने के अंदर ही मौत हो जाती है। लेकिन तब भी कली लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग कराया जाता है ताकि उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो 121 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट हो जाए और जिस दिन ऐसा हो गया
उसे उस दिन सीरम मिल जाएगा। इन सब के बाद हम यहीं पर दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि लैब के अंदर गुलाम लड़कियों में से एक होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दीपिका पादुकोण भी प्रेग्नेंट थी, बल्कि वो उन लड़कियों में से एक थी जो सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। इसीलिए वो लैब में गुलाम की तरह काम करती है और जो भी प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनकी मदद करती है। इसके साथ ही हमें पता लगता है कि दीपिका पादुकोण जब छोटी थी तब उसी समय पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर भेज दिया था, इसीलिए वो बचपन से यहाँ पर है। उसका यहाँ पर नाम सम 80 रखा गया है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है। उसे प्रेग्नेंट हुए 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 दिन से भी ज्यादा, और सच में ये बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन दीपिका ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था। उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया था कि वो इतने समय से प्रेग्नेंट है। दीपिका के बहुत टाइम छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है, इसीलिए वो सीधा कॉम्प्लेक्स के कमांडर को बता देता है कि दीपिका 150 दिन से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। इसीलिए लैब के साइंटिस्ट उसे उठा लेते हैं और उसे एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सीरम निकालना शुरू किया जाता है और एक बूंद सीरम निकल जाता है तो मशीन रुक जाती है और पावर सप्लाई कट जाती है। लाइटें धीरे धीरे जलने बुझने लगती हैं और इसी टाइम पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक मंदिर होता है और उसके अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफी टाइम से योग विद्या में था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो इस बात को महसूस करता है कि कल्कि अवतार जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसे संकेत देते हैं कि कल्कि के जन्म में कोई भी बाधा ना आ पाए। इसीलिए अश्वत्थामा मंदिर से निकल जाते हैं और उस औरत को ढूंढने लगते हैं जो औरत कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है। हालांकि इस टाइम पर हमको पता चल जाता है कि जो औरत कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है वो दीपिका पादुकोण है, यानी कि सुमिति। अब हमें कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बूंद सीरम निकलने के बाद जो मशीन रुक गई थी उसके अगले पल हमें दिखाया जाता है जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक गुलाम थी। वो दीपिका को वहां से निकाल लेती है और खुफिया रास्ते से होते हुए लैब से काफी नीचे आ जाती है। वहां पर आने के बाद वो दीपिका को बताती है कि वो संबाला की रहने वाली है और वो 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर है और वो यहां आकर सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि उस चीज के बारे में वो संबाला सिटी के अंदर बता सके। नीचे लाने के बाद वो दीपिका को गेट के पास ले आती है और वो दीपिका को बताती है कि यहां पर एक खुफिया गेट है जो उसे यहां से बाहर निकाल देगा। वो उसे ये भी बताती है कि उसने अपने कुछ दोस्तों को सिग्नल देकर वहां बुला लिया है, इसीलिए वो चाहती है कि दीपिका वहां से निकल जाए और उसके दोस्त उसे संबाला ले जाएं, जिससे वो वहां पर सुरक्षित रहेगी। दीपिका उससे ये भी पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि संबाला एक पवित्र शहर है और वहां पर हम सबका ये मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल्कि अवतार को, जिसके बाद ही वो कल्कि अवतार सारे इंसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद के भरोसे हमारा पूरा संबाला शहर जी रहा है और हाँ, मुझे लगता है कि तुम ही वही औरत हो जो भगवान को जन्म दोगी, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसीलिए वो दीपिका से कहती है कि वो बाहर निकल जाए, उसके पीछे सोल्जर ना आए, उन्हें रोकने के लिए वो यहीं पर रुकेगी। ये सुनकर दीपिका बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि उसके सामने संबाला के 3 एजेंट और होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए बड़ी सी गाड़ी लेकर आए थे। वो तीनों दीपिका को जल्दी से बिठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और जल्द से जल्द संबाला पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है जहां कमांडर को ये पता चल जाता है कि सुमिति वहां से निकल चुकी है, इसीलिए वो अपने सारे सोल्जर को उसके पीछे लगा देता है और सबसे कहता है कि वो उसको पकड़कर जरूर लेकर आए। इसके बाद वो शहर में भी अनाउंस कर देता है कि जो भी उस लड़की को पकड़कर लेकर आएगा उसे इनाम के तौर पर 5 मिलियन यूनिट मिलेंगे। इस वाले ऑफर को भैरवा भी देख लेता है, इसीलिए वो सोचता है कि उसने सुमिति को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। इसके बाद वो बहुत ही आराम से कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा, इसीलिए वो सुमिति की तलाश में निकल जाता है। इधर ये जो 3 लोग दीपिका को संबाला की तरफ लेकर जा रहे थे हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनका नाम बिरान और कायरा था। इन दोनों के साथ इनका एक और साथी होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है तो दीपिका उससे कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तब कायरा उसका नाम सुमति रखती है। तब अचानक से उनके पीछे कॉम्प्लेक्स के सोल्जर आ जाते हैं, इसीलिए ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं और सुमति को बचाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर अश्वत्थामा की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और उनसे सुमति को बचा लेते हैं और वो सुमति से कहते हैं कि वो उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी भगवान को जन्म देने वाली है। कुछ समय के बाद वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है जिसने सुमति को ढूंढ लिया था और वो यहाँ पर पहुँचने के बाद सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और इसी फाइट के बीच में भैरवा अश्वत्थामा को पटक देता है, लेकिन अश्वत्थामा बड़ी आसानी से भैरवा को हरा देता है, जिसके बाद वे चारों सुमति को लेकर संभाला पहुँच जाते हैं। इधर जैसे ही कमांडर को पता लगता है कि
सोल्जर्स को सुमति मिली थी वैसे ही वो अपने कई सारे सोल्जर्स को लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हुई थी। लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं और इसके साथ ही वहां पर भैरवा भी पड़ा हुआ है जो कि अश्वत्थामा से फाइट हार गया था, तो कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसीलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वो लोग सुमति को यहां से लेकर जा रहे थे तो वो लोग संभाला की बात कर रहे थे, यानी कि वो लोग संभाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि संभाला कहां पर है। वो अकेला एक ऐसा इंसान है जो संभाला पहुंच सकता है, इसीलिए अगर कमांडर उसे एक मौका देगा तो वो सुमति को ले आएगा। ये सुनकर कमांडर तैयार हो जाता है और भैरवा को एक मौका और देता है और कमांडर भैरवा से कहता है कि अगर वो सुमति को लेकर आ गया तो इसके बाद वो खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री देंगे। इसके बाद वो कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी आराम से रह पाएगा। अब इसके बाद भैरवा सीधे अपने घर आता है और घर आकर उस लड़के को आजाद कर देता है जिसे उसने आज से काफी टाइम पहले पकड़ा था। इसे आजाद करने के बाद भैरवा इसको ट्रैप में फंसाता है क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि कॉम्प्लेक्स वाले कभी भी उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री नहीं देंगे, इसीलिए अब उसे किसी को भी पकड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए अब वो उसे आजाद कर रहा है। लेकिन ये बात सुनकर संभाला का जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की ज्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए बल्कि इसकी वजह उसे उसके साथ संभाला जाना चाहिए जो कि बहुत ही सुंदर शहर है और वहां पर जाकर उनका साथ देना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले बहुत ही बुरे इंसान हैं। ये सुनकर भैरवा मान जाता है क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा था और वो संभाला के उस लड़के के साथ सीधा संभाला पहुंच जाता है और संभाला के अंदर आने के बाद वो उस लड़के को बेहोश कर देता है और वो उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास पहुंच जाता है और अश्वत्थामा का रूप ले लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उसे अश्वत्थामा घेर लेता है जिसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और फाइट होती है। लेकिन इस बार भैरवा तैयारी करके आया था इसीलिए वो अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन इन दोनों की फाइट के दौरान हम देखते हैं कि संभाला में कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने बहुत सारे सोल्जर के साथ आ जाता है और वो सीधा संभाला पर अटैक करके अंदर घुस जाता है जिसके बाद संभाला के सारे सोल्जर्स भी इकट्ठा होते हैं और फिर संभाला के सोल्जर्स और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स दोनों के बीच फाइट होती है और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा युद्ध दिखाई देता है। लेकिन इस वॉर के अंदर कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर संभाला के सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। इस टाइम पर हमें पता चलता है अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो उसका नहीं, हकीकत में वो कर्ण का हथियार है और अचानक से उसके हाथ का हथियार छूटकर भैरवा के हाथ में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो भैरवा के हाथ में पहुंचता है वो चमकने लगता है और भैरवा की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सीधा यहाँ पर एक फ्लैशबैक आता है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि असल में भैरवा ही महाभारत के समय का कर्ण है और उसकी सभी शक्तियाँ जाग चुकी है। वो सीधा कमांडर के सभी सोल्जर से लड़ने लगता है और सभी सोल्जर्स को मार देता है और एंड में वो कमांडर को भी मार देता है और इस तरह वो सुमति को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो हथियार छोड़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से भैरवा बन जाता है, यानी कि वही भैरवा जिसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है। इसीलिए वो सुमति को उठा लेता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से अपनी गाड़ी को फ्लाई करता है और संभाला से निकल जाता है। इस समय पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते और भैरवा सुमति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। अब इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कली को देखते हैं। अब आपको याद हो तो जिस टाइम पर मशीन चल रही थी उस टाइम पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था, उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है और वो जैसे ही उस सीरम को लेता है अपनी बॉडी में डाल लेता है और जैसे ही वो सीरम उसकी बॉडी में जाता है कली की दुबली पतली बॉडी एकदम पावरफुल मस्कुलर हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद कली डिसाइड करता है कि उसे बाकी का सीरम भी चाहिए। इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और सारा सीरम निकाल लेगा और जब ऐसा हो जाएगा तो कली इतना पावरफुल हो जाएगा तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान जी भी उसे नहीं रोक पाएंगे। हालांकि दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जब इस मूवी का अगला पार्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि इस फिल्म की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन तब तक के लिए ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।